मुरादाबाद के गांधीनगर स्थित गांधी पार्क में आर्य समाज वैदिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्य समाज के सभी पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस पर सामूहिक यज्ञ और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आर्य समाज के जुड़े सभी भक्तगण मौजूद रहे। इस दौरान पंडित भूपेंद्र शास्त्री द्वारा पुरुषोत्तम राम और सीता जी के जीवन चरित्र, उद्योधक गीत एवं यज्ञ बड़ी जोर जोर के साथ किया गया। सभी भक्तगण भक्ति में लीन नजर आए और वहीं दूसरी तरफ महर्षि दयानंद के जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। और आज सरकार की जितनी भी योजनाएं कार्य कर रही हैं, उसमें 95% योजनाएं महर्षि दयानंद द्वारा प्रसारित प्रभावित की गई है। तो आज से 150 वर्ष पहले उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, ये उनके जीवन की एक विशेषता है। और ये संगठन आर्य समाज एक बड़ा पवित्र संगठन है। मैं आज भी कहता हूँ कि विश्व में आपको इसका दूसरा कोई साथी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा समर्पण, इतनी बड़ी संख्या, आज देखिए गुरुकुलों का, आज तक कोई बता दे किसी गुरुकुल में कोई ऐसा कार्य हुआ हो जो अशोभनीय हो। 28 साल हो गए गुरुकुल चौकी पूरा। वो बहन कहती है कि हमारी दीवार को भी किसी ने गलत नियत से हाथ नहीं लगाया, इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्या उपलब्धि होगी। किसी गुरुकुल में बेटों के बच्चों के किसी गुरुकुल में ये है विशेषता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सबसे पहला जोर जो दिया है।